कसौली मस्जिद विवाद पर देखिए चौंकाने वाली एक और खबर आपको बताते हैं ना। भारत पर स्थानीय महिला ने आप बीती सुनाई है। मस्जिद पर चौंकाने वाला एक खुलासा सामने आया है। मस्जिद में दरवाजा खोलकर शौच किया जाता है। दरवाजा बंद करने के लिए कई बार बोला गया, हमें कहते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लें। हैरान करने वाला बयान है जो वहां पर एक महिला की ओर से दिया गया। लोग वहां पर कह रहे थे कि पहले तो महज दो परिवार थे, उसके बाद इतने सारे लोग वहां पर आ गए, घरों में ताका झांकी तक की जाती है, उनका रहना वहां पर मुश्किल हो गया है। और मस्जिद विवाद पर अब ये चौंकाने वाला खुलासा वहां की एक स्थानीय महिला की ओर से। इस वक्त हम सजौली मस्जिद के बाहर हैं और यहाँ पर हम लगातार लोगों से, स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उनको सुरक्षा का खतरा है, खासकर जो बाहरी लोग आते हैं उनकी वजह से, और खासकर महिलाओं के लिए क्या खतरा है, इस पर बात करेंगे। यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं, शिल्पी नाम है, मैम आप कैसे देखती हैं जो पूरी घटना को, और जो बाहरी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके बारे में किस तरीके से महिलाएं सोचती हैं? सर यहाँ पर बहुत तादाद में इकट्ठे होते हैं, फ्राइडे वाले दिन तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है हमें, बाकी डेली का यहाँ पर 400-500 से ज्यादा ही लोग चलते हैं, दिन रात चलते हैं, इनकी 5 टाइम नमाज होती है, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। तो जिस दिन फ्राइडे होता है, फ्राइडे वाले दिन हम स्कूल से बच्चों को लाते हैं, तो हमें थोड़ा इनका वेट करना पड़ता है कब ये जगह खाली हो और हम कब बच्चों को लेकर आए। तो ये कब से इतनी बड़ी तादाद हो गई है, कितने साल से आप ये बदलाव देख रहे हैं? सर ये 90 के बाद ही स्टार्ट हो गया था, आहिस्ता 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 करते उसके बाद फिर ज्यादा ही बढ़ता चला गया। आप कितने साल से रह रहे हैं? बाय बर्थ यहीं से हैं। तो इतने सारे लोग क्या सारे यहीं से हैं या बाहर के लोग हैं? सर बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग नहीं है, लोकल लोगों को हम अच्छे से जानते हैं, बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों को हम नहीं जानते अच्छे से। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके बारे में किस तरीके से उनकी गतिविधियाँ रहती हैं उसके बारे में अगर कुछ जिक्र हमें कर सके। सर गतिविधियों का तो इतना पता नहीं, हम दरवाजे बंद करके अपने बैठ जाते हैं क्योंकि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हम करते नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि चलो अपने अंदर ही बैठना सेफ रहेगा। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आपका जो घर है यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है, ये सामने जो मस्जिद है ये भी हम दिखा दें यहाँ से कि ये घर है और बिल्कुल इसके सामने ही मस्जिद है। जो दरवाजा खुलता है वहाँ आप देख सकते हैं खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं मस्जिद की, वो हमें दिखाई देती है। तो शिल्पी जी एक सवाल ये भी था कि जो वॉशरूम वगैरह है वो ओपन ही है? हाँ जी सर, नहीं डोर है इनमें लगे हुए, पर जब कभी इनको ओपन करके बैठते हैं ये, मैक्सिमम कई बार हो चुका है कि मेरे ताई जी का घर साथ ही है तो वहां से सब दिखता है, हमें खिड़कियां दरवाजे अपने बंद करके बैठना पड़ता है। कई बार हम बोल चुके हैं कि आप बंद करके क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद करो, हमें तो अपने जाना है। आपत्ति जताई लेकिन? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, फिर पुलिस आती है, पुलिस कुछ बोलकर चली जाती है इन्हें, फिर कुछ टाइम के बाद ठीक है, उसके बाद फिर से वही सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो शिल्पी जी जैसा कि जिक्र कर रही है कि मतलब जो लोग आ रहे हैं वो मैनर्स की बात करें या शिष्टाचार की बात करें उसकी भी एक कमी कहीं ना कहीं है, और महिलाओं को इससे खासी दिक्कत हो रही है क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल जो नज़दीक घर हैं, पड़ोस के घर हैं, वहाँ जो महिलाएं हैं उनको खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं वॉशरूम जाते हैं वो ओपन ही बैठते हैं, और आपत्ति जताने के बाद भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। शिल्पी जी ये आपका जो घर है हम देख रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल सामने ही दरवाजा खुलता है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप देखिए कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बाईं तरफ मस्जिद है, मस्जिद के जो इमाम है वो दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल यहीं पर वाटर टैंक है, खिड़की है, दरवाजे हैं जो मस्जिद के वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं ये अपनी व्यथा यहाँ पर बताते हुए दिखाई दे रही हैं। सजौली से बड़े जल्दी नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत।